गेड़ी मार रहे थे तो भाई रास्ते में हो गया है एक्सीडेंट, गाड़ी ठुक चुकी है, गाड़ी का बहुत बुरा हाल है, दिख नहीं रहा कुछ भी मुझे, ध्यान से चलाइयो। साथ में कोल्ड ड्रिंक रखो, बेइज्जती कर रहा है हमारी। ये बॉडी पॉलिश है, ये है हिमाचल की सबसे बड़ी मशरूम की फैक्ट्री। व्यू यार, दिस इज माय होम। मित्तू अपने नाल है। ओ हेलो गाइस, दिस इज माय होम। तो आप देख सकते हैं मेरे घर में फ्लावर लगे हुए हैं, रंग रंग देखिए, ये रोज भी लगा हुआ है, ये बड़ा अच्छा रोज लगा हुआ है, आप देख सकते हैं क्रिसमस ट्री, देख सकते हैं आप कितना बड़ा क्रिसमस ट्री है हमारे घर पे। दी व्यू यार, दिस इज माय होम। ये देखिए ब्लॉगर को जो अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा है, जोर से मारे, जोर से, और जोर लगाए, और जोर, और ये बाइक स्टार्ट होने ही वाली है। ये देखिए बाइक स्टार्ट होगी और हम ये जा रहे हैं, ये देख सकते हैं हमारा गेट, गेट नंबर 1 से हम एग्जिट करेंगे। ये है हमारा रोड, इसको बोलते हैं कच्चा रोड, गोरी गोरी बोलते हैं इसको। ये आगे पटरी भाई, ये कैसे टपाते हैं पटरी से, ये बॉय, ये बॉय, कभी कभी इसमें अगर मिट्टी ना डाले तो गाड़ी नीचे लग जाती है। बन जा रहे हैं, बन बन वाले बंदे ने देख लो गोली पकड़ी हुई है हाथ में। अच्छा आपको ठंड लग रही है? नहीं हमें ठंड नहीं लगती है, देखो हम हाफ शर्ट में जा रहे हैं। और ये इसका बाइक का पेट्रोल खत्म होता हुआ। और ये है हमारा डिपो, यहाँ से हम राशन लेते हैं, फ्री का राशन आता है यहाँ पे, फ्री का नहीं आता है, पैसे देने पड़ते, थोड़े बहुत देने पड़ते हैं, पर फ्री का ही होता वो। ये सवारियां निहाल कर रही है बस, ये सवारियां निहाल कर रही है बस की। हम पहुँच गए हैं बनई मेर बस स्टैंड, और ये है भी कस्टम की दुकान है, ये यहाँ पे कारें मॉडिफाई होती है। अपनी कार कितनी मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम अपनी कार को ट्रैक्टर में बदल सकते हैं, ऐसे मॉडिफाई करता है ये बंदा। और कार श्रृंगार, ये तुम्हें कार श्रृंगार, अगर कार को श्रृंगार करनी है तो यहाँ पे आना है। ये भाई जो है वो बड़ा कम दाम में आपकी कार श्रृंगार कर देता है। ये बॉडी पॉलिश है, ये देखिए दुकान, ए डैशबोर्ड का है, सीटा सूटा है, ए हां सही है। कितने का है? 170 रुपए का, हल्का लेना, हल्का भी 170। ए तो मैं दिखया रहा 1000 रुपए, हल्का लेना, हल्का भी 170। ए तो मैं दिखया रहा 1000 रुपए। है और है और कुछ हुआ थमी है पर है थमी है भैया का फिर वापस लाना पे। हम यहाँ पे आए थे, हम पूछने के लिए आए थे कि कार वाला वो डैशबोर्ड को साफ करने के लिए पॉलिश चाहिए, पर बिट्टू बोल रहा है घर पे है, तो हम वापस जाएंगे घर पे, देखेंगे बड़ा है कहीं। तो ये है पेट्रोल पंप, सबसे बड़ा पेट्रोल पंप हिमाचल का, ये सवारी यही की यही है, ये वेट कर रही है बस का, इनके लिए हमें बड़ा बुरा लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं, एक बस का वेट करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे बस एक घंटे बाद आती है हिमाचल में, ऐसे ही एक घंटे बाद बस आएगी। ये एक इकलौता फाटक है हिमाचल का, इकलौता डिपो हमारा हिमाचल का, हिमाचल की सबसे बड़ी मशरूम की फैक्ट्री, यहाँ पे लाखों किसान, लाखों करोड़ लोग आते हैं यहाँ पे मशरूम लेने के लिए। ये देख के इस बंदे को कितनी ठंड लग रही है, लुक एंड सी पता, ये है सिटी वास बनाना सिटी वास, और ये हॉरर बजाता हुआ। आपने भी जो सिटी बस देखी है, ये हमारे स्कूल में टाइम में चलती थी, तो पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ता है ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है, पर ये महाशय नहीं देखते ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर ये ट्रेन आ रही हो तब भी निकाल देते हैं, बोल देते हैं, बोलता है कि और ट्रेन वाला खुद रुक जाता है। देखिए इसका जिगरा, दिस इज कॉल्ड जिगरा, और ये हमारे बाढ़ दे दिया है, देखिए कितना खतरनाक बाढ़ दिया है, इसको बोलते हैं बाढ़ देना, इससे क्या होता है कि कोई जानवर वगैरह अंदर ना आए, और ये जिसके लिए हम गए थे। अपनी हालत देख लो, ठंड में जाके आए, अभी पॉलिश हमने लिया नहीं क्योंकि घर पे पॉलिश पड़ा था, उसकी शक्ल देख के मेरे को याद आ गया कि पॉलिश भाई घर पे पड़ा हुआ है, अंशु पॉलिश कर रहा है कार को। तो गाइस देख लो धूप बहुत ज्यादा लगी हुई है, सुबह बहुत ज्यादा धुंध थी, फॉगी फॉगी था मौसम, तो मैं उठा था और फ्रेश व्रुश हुआ, उसके बाद बाहर देखा मौसम, तो देखा धुंध पड़ी हुई है, तो मैं फिर से जाके सो गया, उसके बाद मैं 12 बजे उठा, कितना बेशरम बंदा हूँ मैं, लेकिन क्या करें ठंड में तो करना पड़ता है। ये मेरे पापा जी है, पापा जी हेलो कर दो गाइस को, हेलो हेलो गाइस, चाचा जी हेलो, तो चाचा जी बोल रहे हैं मरे आता ना होते कि यहाँ पे हमारे वहाँ मतलब ऐसे बोलते हैं कि क्या ही बोलिए आप, क्या बोले आपको, तो उसको हम ऐसे बोलते हैं कि ताना होते कि मड़िया। टाइम हो गया है 4:23 और मैं एडिट कर रहा था वीडियो, थोड़ी सी बची थी तो वो एडिट कर रहा था, अंशुल और मीतू मुझे ढूंढ रहे थे। तो गाइज ये पूजा है, पूजा आप बोलो कुछ, अभी बोलते हैं गाइज आज पिज्जा खाने चलेंगे हम, ठीक है पक्का, मेरा मन कर रहा है पक्का। यस गाइज, गाइज इधर सुनो, ये बहुत ही कंजूस आदमी है,
ये हमेशा हमें बचपन में ये एक बार गोलगप्पे खिलाने के लिए लेके गया था तो खिला तो दिए थे गाइस हेलो कर दो दो बंदे आगे जा रहे हैं और दो हम दो पीछे जा रहे हैं। हम जा रहे हैं टैंक वो वाला उस टाइप का टैंक नहीं है यार, वो छोटे छोटे टैंकी वाली टैंक नहीं है, वो बहुत बड़ा टैंक है। गाइस बोल रहा है रोज मैं सब्सक्राइब करता हूँ, लाइक करता हूँ और व्यू भी करता हूँ, तो भाई इसको डालना पड़ेगा ब्लॉग में। तो हेलो गाइस, सो हम यहाँ से आ रहे हैं, देखिए जाने का रास्ता ये है और ये हमारी गैंग पीछे चल रही है। अब हम दिखाते हैं कि कैसा रास्ता है जी। जल वो सामने रही जल कुकड़ी जो पानी में जलती है, ये देखिए पहले नीचे होना पड़ेगा। ये गालियाँ पड़ती हुई इसके बंदे को, गालियाँ पड़ रही हैं, उसने लंगा तोड़ दिया है इनका। अब मिस्टर कबाड़ी रास्ता ढूंढेंगे। मिस्टर कबाड़ी यहाँ जा रहे हैं, इस रास्ते से खतरनाक रास्ता है और ये हम रुक गए हैं यहाँ पे। रास्ता जो है मैन बस वाल्ड कर रहे हैं, खत्म हो चुका है, सो ये रास्ता बनाएंगे। ये देखिए कैसे रास्ता कैसे बनाया जाता है, ये ऐसे पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन के पास। ओ ये रहा टैंक। इस टैंक की हम बात कर रहे थे जो सबसे हाईएस्ट है, सबसे पुराना है और सबसे भूतिया टैंक कहा जाता है। मंदिर भी होगा, मैं आपको मंदिर भी बताता हूँ, आ जाओ। क्योंकि इसके पीछे हमने मंदिर भी बनाया, क्योंकि पहले जाने हैं इसके पास भूत रहते थे। ये देखिए ये रहा, ये इस पे बैठती ये मंदिर, ये मंदिर कहते हैं यहाँ पे पहले भूत हुआ करते थे। सो यहाँ पे मंदिर बनाया गया, फिर यहाँ पे शांति हुई। चलो अब हम चढ़ते हैं टैंक। गाइस आ जाओ पीछे पीछे, गाइस देखिए कैसे जा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे हाथ के लड़का दरवान के मजा लिए दोनों से। देखिए गाइस कम ऑन कम ऑन, मजे ने लंच हुई, बस बस इधर ही। ये देखिए टूटा हुआ है ये पूरा व्यू, और ये देखिए ऊपर का व्यू पूरा हाइट आ रहा है, हाइट आ रहा है पे पहुंच चुके हैं वो जो पता नहीं मुझे। और ये देखिए वो रहा हमारा घर, दिख नहीं रहा है पर ये, और ये देखिए यार सनसेट, लुक एट द व्यू यार, लुक एट द व्यू यार। ऊपर मस्जिद, ये ऊपर जाने का रास्ता है लेकिन ये टूटा हुआ है और ये टूटा हुआ है इसलिए मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम आ जाओ। सो गाइस अभी आपको हम थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं और साथ में रील्स के लिए कुछ शॉट ले लेते हैं। Are you fucking real, man? Come on. Guys, victory hogi apni, victory hogi. Ab hum peen lene ja rahe hain, ye peen leke aayega banda, dekhte hain peen kaisa hota hai, dekhna kaise hum leke jaate hain. भाई पीण आपको पता होगा क्या होता है। तो गाइस ये है पीण, इसको बोलते हैं पीण, जो कि बोरी में है अभी, तो ये बोरी में है, ये अंडा है देख लो, ये अंडा अच्छा राशन है, ये देख लो ये राशन हमारे घर से ऐसे आता है। अभी इसको हम मोड़े पे उठा के इसको लेके जाएंगे तो देखना कैसे उठाता है ये बंदा। गुड़ करो गाइस, ओ ये बाहुबली बंदे, ये हमारा झोला भी आ जाओ, तो चलो झोला है झोला, चलो ऐसे लेके जाएंगे घर तक। ये देख सकते हैं गाइस, कबाड़ी जी निखिल इधर देखना जरा, स्माइल प्लीज। अभी अपना एक लौंडा है, एक लड़का अपना एक गाइस चला गया है निखिल कुमार, और हम जा रहे हैं घर। अभी हम जा रहे हैं पिज्जा खाने, जैसा कि मैंने आपको बताया था आज का दिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहा था। आ गया है, चलो चले। तो भाई हम जा रहे हैं पिज्जा खाने, तो सारे जा रहे हैं पिज्जा खाने। हेलो गाइस, और मैं जा रहा हूँ साथ में, हमारी गाड़ी जा रही है।
सो गाइस अभी हम पहुंच गए लव लव से क्यारी जाएंगे, क्यारी जाके आपको मिलेगा पिज्जा और पिज्जा लेंगे वहां से उठाएंगे और कार में खाएंगे, जैसे भी बनेगा सीन वैसे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई लोग तो अभी मैं क्यारी आया था तो लजीज पिज्जा में खड़ा हूँ और सोनू भाई ये और भाई आपका नाम शेखर। शेखर तो भाई काफी ज्यादा अच्छा पिज्जा बनाते हैं तो आप आओ और टेस्ट करो। इनका एक और नया शुरू कर रहे हैं, ये लाइव किचन लगाएंगे बाहर और उसमें आपको सोया चाप और डोसा मतलब लाइव किचन चलेगा। भाई हाय करो। हेलो फ्रेंड्स। चलो ठीक है भाइयों ने भाई गाड़ी घुमा के लगा दी है। ओहो लो जी भाई पिज्जा आ चुका है अपने पास और अब हम खाएंगे पिज्जा। ठंड लग गई, बारी बंद कर दो भाई जल्दी से। सो इसको दे दे। तो चलो चले भाई, चलो चले हम। पिज्जा तो अपना आ गया भाई। कोल्ड ड्रिंक ले, कोल्ड ड्रिंक नहीं क्या? उफ, कोई बात नहीं, चलो भूल गया, अब पानी से पी लेंगे, कोई बात नहीं। ओके ले ले। अभी हम खा के घर जाएंगे फिर वहाँ पे जाके खाना खाएंगे। कितना खाते हैं यार हम लोग, लगता है लगता है शरीर में तो है ही नहीं कुछ, जान ही नहीं है मीट इसके तो बिल्कुल नहीं है। तो गाइस अभी हम गेड़ी मार रहे थे तो भाई रास्ते में हो गया एक्सीडेंट, गाड़ी ठुक चुकी है, गाड़ी का बहुत बुरा हाल है, बम्पर बम्पर उड़ गया है। दिखाते हैं अंशुल थोड़ा स्लो चलाइयो ठीक है। ओके भाई मैं स्लो चलाऊंगा। दिख नहीं रहा आगे कुछ भी मुझे, ध्यान से चलाइयो। मेरे को खुद नहीं दिख रहा है, ऐसा ना हो हमारा ही नंबर आ जाए। ये गाड़ी जा रही है, ये वाली गाड़ी है भाई, ये सारी सारी ठुक चुकी है, बहुत बुरा हाल है गाड़ी का। गाइस अभी हम खा रहे हैं पिज्जा, ये है पिज्जे की हालत, अपने यहाँ पे ऐसे ही मिलता है, हम डोमिनोज का नहीं खा सकते क्योंकि यहाँ पे डोमिनोज है नहीं, तो ऐसा चलेगा। साथ में कोल्ड ड्रिंक रखो, बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। तो भाई ये लो कोल्ड ड्रिंक, अरे वाह पार्टी शार्टी होगी ये तो आज, छोटी सी पार्टी शार्टी। चलो भाई लोग अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे और गाड़ी वाड़ी लगा दी है। तो भाई आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, बने रहो हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड।